हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ क्यूलॉन टीवी पेन स्टिक्स की अनबॉक्सिंग करने जा रही हूँ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने कमेंट से ज़रूर मुझे आगाह कीजिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी हम आपको बहुत ही ज़बरदस्त इस वीडियो में एक अमेजिंग सी प्रोडक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं। क्यूलॉन टीवी स्टिक्स के बारे में कहा जाता है कि ये 16 आवर्स तक स्टे करती हैं। ये कंपनी क्लेम करती है, और सिर्फ क्लेम ही नहीं करती, बिकॉज ऐसा है। इनके रेट्स मैं अपने इंस्टाग्राम पेज पर टैग कर दूंगी, वहां से आप मुझे चेकआउट कर सकते हैं और इनकी कंपनी को भी और वहां पर इनके प्राइजेस को भी। अच्छा जी, आ जाते हैं टीवी पैन स्टिक्स की तरफ। इनकी अच्छी बात ये है कि इनकी पैकिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, बहुत ही अट्रैक्टिव है। उसके बाद इनके प्रोडक्ट इनकी पैकिंग से भी बहुत ही आला है, बिकॉज जितने भी मार्केट में फाउंडेशंस या स्टिक्स या बेसिस मौजूद हैं, उनमें सबसे ज़्यादा स्टे करने वाली जो स्टिक है वो टीवी पैन स्टिक क्यूलॉन की ही है। बाकी स्टिक्स 6 घंटे 7 घंटे तक आपको अच्छी कवरेज देती हैं, उसके बाद उसमें आपकी जो स्किन बेस है वो ग्रे होने लगती है या उसमें लाइंस पड़ना शुरू हो जाती है। जबकि ये क्यूलॉन की जो स्टिक्स हैं ये फ्लॉलेस हैं। ये 522 नंबर सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे अगर आपकी स्किन जो है वो ना तो गंदमी है, ना तो थोड़ा डार्क कॉम्प्लेक्शन ना हो, बल्कि आपका कॉम्प्लेक्शन अगर वाइट है तो आप ये स्टिक लेंगे। यहाँ पर इनके कोर्स दिए गए हैं। कोर्स इसलिए हैं कि आप इसको स्क्रैच करेंगे, अंदर से कोड निकलेगा। आप इसके दर्ज के नीचे मेंशन नंबर पर इसको मैसेज करेंगे कोड, तो आपको पता चल जाएगा कि ये ओरिजिनल है या इसकी कॉपी है। तो ये भी आपको एक अच्छा फ़ायदा है कि आपको पता होना चाहिए कि आप क्यूलॉन की जो है वो ओरिजिनल प्रोडक्ट ही ले रहे हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ये मैंने परचेज़ की है आइवरी। ये आइवरी उन लोगों के लिए है जिनका कम्प्लेक्शन वाइट है, क्योंकि आइवरी से ज़्यादा वाइट कोई भी स्टिक नहीं है। दिस इज़ द लास्ट नंबर। सो अगर आप का कम्प्लेक्शन वाइट है तो आप 522 के अलावा आप आइवरी यूज़ कर सकते हैं। ये दो नंबर्स जो हैं स्पेशली ऐसे कम्प्लेक्शन वाले लोगों के लिए बनाए गए हैं। उसके अलावा अगर आपका कम्प्लेक्शन डार्क है तो आप 36 नंबर यूज़ कर सकते हैं, या अगर आपको डार्क सर्कल्स हो रहे हैं तो आप 38 नंबर यूज़ करें। ठीक है, डार्क स्पॉट्स अपने या अपने स्किन पर जो स्कार्स हैं उनको कवर या उनको कवरेज देने के लिए आपने 38 नंबर यूज़ करना है। उसकी थिक सी वहाँ पर क्वांटिटी अप्लाई करनी है, और स्पंज की वजह से उसे वहीं पर ब्लेंड आउट कर देना है। उसके बाद आपने 522 से सबसे पहले बेस लगानी है, उसके बाद आपने W1 यूज़ करना है, देन आपने आईवी यूज़ करनी है। इन सब के यूज से पहले अगर आप परचेस कर लें प्राइमर, वो भी क्यूलॉन वालों का, तो उससे ये होगा कि आपके जो ओपन पोर्स हैं वो मिनिमाइज हो जाएंगे और आपकी स्किन में आपका मेकअप आपके पोर्स में नहीं जाएगा और ना आपकी स्किन को डैमेज करेगा। तो ये है जी क्यूलॉन का प्राइमर। इसकी पैकिंग इस तरह से है, बहुत ही मिनिमल क्वांटिटी में ये यूज़ होता है, बिल्कुल एक मटर के दाने के बराबर, और आपको अपने सिर्फ ओपन पोर्स वाले एरिए पर अप्लाई करना होता है बिल्कुल मिनिमल सी क्वांटिटी से, और उसके बाद आपने जो अपनी बेसिस हैं वो अप्लाई करनी है 1 बाय 1। तो अगर आप क्यूलॉन का ही प्राइमर लेते हैं और इसी की स्टिक्स लेते हैं तो आपका मेकअप जो है वो काफ़ी देर तक स्टे करने वाला है, क्योंकि आपका मेकअप अब कहीं नहीं जा रहा, चाहे मौसम गर्म हो या सर्द हो, बिकॉज ये बेसिस क्लेम करती है 16 आवर्स का, और ये एग्जैक्टली 16 आवर्स तक स्टे करती हैं। 16 आवर्स तक आपका मेकअप ऐसे ही रहता है जैसे आपने बिल्कुल फ्रेश मेकअप किया है, कोई उसमें डलनेस या कोई आपकी स्टिक ग्रे नहीं होती या कोई लाइन्स नहीं आती, बल्कि फ्लॉलेस लुक देती है आपको ये बेसिस इनकी। और इनके नंबर्स जो हैं वो डिफरेंट हैं, लाइक अगर आपका गंदमी रंग है या आपका थोड़ा कम्प्लेक्शन डार्क है तो आप 36 नंबर यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपका जो फेस है वो थोड़ा ब्राउनिश लुक देता है आपको, थोड़ा डार्क ब्राउन देता है, तो आपने जो है वहाँ पर 38 नंबर यूज़ करना है। कोशिश करें कि नेचुरल रहें। सो नेचुरल रहने के लिए ये है कि आपको हमेशा अपनी स्किन टोन से मिलती जुलती फाउंडेशन लगानी चाहिए, हमेशा एक नंबर ऊपर का ले। ठीक है, ज़्यादा डबल नंबर अगर आप ऊपर का लेते हैं तो फिर ये होगा कि आपका ज़्यादा नज़र आएगा कि आपने बाकायदा कोई चीज़ लगाई है। प्राइमर अंदर जैसे जी ऐसा है, ये ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल मटर के दाने के बराबर यूज़ होता है, और इसको अपने चेहरे पर अप्लाई करना है। और बहुत ही खूबसूरत पैकिंग है इसकी, बहुत ही डिसेंट है, और क्वान्टिटी इसमें इनकी अच्छी है। प्राइजेस इनकी थोड़ी हाई हैं, लेकिन ये हाई प्राइजेस की वजह से आप इसे मिस आउट ना करें, बिकॉज इनका जो है प्रोडक्ट कम यूज़ होती है। सो अगर आप इसको परचेज़ कर रहे हैं 2500 में तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपके पर्स में एक क्यूलॉन की स्टिक या दो ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि वो आपको लॉन्ग टर्म तक काम देती हैं।
वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।